चलिए बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल की जमीनी हकीकत देख अधिकारी सख्त हुए हैं। बता दें आपको कि डीटीवी भारत ने सबसे पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी किस तरह से डेंगू का विस्फोट राजगीर में हुआ है, और उसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन बिल्कुल भी सख्त नहीं है। कूड़े का अंबार अस्पताल परिसर में पड़ा हुआ है। खबर देखकर आनन फानन में अस्पताल पहुंचे हैं सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई है। अस्पताल परिसर से कूड़े के ढेर को हटाने का निर्देश दिया है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से कूड़े के ढेर को जल्दी जल्दी में हटाया जा रहा है। फानन फानन में सिविल सर्जन को पहुंचना पड़ा अस्पताल। डीटीवी भारत ने ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, और आपको यह भी बता दें कि मरीजों का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है अस्पताल में, ना डॉक्टर रहते हैं ना दवाएं होती हैं। चलिए खबर पर अधिक बातचीत करेंगे, नालंदा से सहयोगी संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, जैसे ही डीटीवी भारत की खबर चली वैसे ही आपकी खबर का असर हुआ है और सीधा सिविल सर्जन अस्पताल पहुंचे हैं, क्या कुछ हुआ सिविल सर्जन के अस्पताल पहुंचने के बाद? एक जो खबर चलते हैं आनंद फानन में नालंदा जिला स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन तरफ पहुंचे जाएंगे और राज्य के जाकर अस्पताल की पूरी व्यवस्था किया और लोगों को साफ सफाई और अपने कर्मचारियों को जागरूक किया ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो और अपने स्टाफ को एक्टिव किया। चलिए तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए संजीव बहुत बहुत शुक्रिया। तो अस्पताल की जमीनी हकीकत को देखकर तुरंत पहुंचते हैं सिविल सर्जन, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जितने भी कूड़े के ढेर, कूड़े के अंबार अस्पताल परिसर में पड़े हुए थे उन्हें साफ करने का सख्त निर्देश दिया। अच्छा, हम आए क्या बात कर रहे हैं? हम कोनो घर का खेती का बात कर रहे हैं? हम तो वही ना सफाई कर्मी से बात को कहता हम हड़ताल करेंगे, तो हड़ताल करेंगे दूसरा कोई जवाब है? हम नहीं काम करेंगे, क्या जवाब देंगे बोलिए? कोई बढ़िया तरह से देखते हैं नहीं यार, सुइया वे सब चीज बाहर लादना पड़ता है, दवा नहीं कोई तरह से मिलता है। अच्छा, खाली आते हैं सलाइन टांग देते हैं बस हो जाता है, उससे थोड़ा इलाज होता है। इलाज का मतलब हर आधा घंटा एक घंटा पर